नमस्कार, R9 टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, NRC से जुड़ी हुई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसका शोर आसाम में था लेकिन अब इसकी गर्म हवाएं दिल्ली को भी छू रही हैं। आपको बता दें, NRC मामले को लेकर अब दिल्ली के BJP प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी सक्रिय हो गए हैं। मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है, घुसपैठियों के चलते उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात भी खराब हैं, दिल्ली में भी NRC की जरूरत। गृहमंत्री अमित शाह से BJP नेताओं की मुलाकात भी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, NRC मामले पर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई है, जिसमें मनोज तिवारी, विजेंद्र गुप्ता यानी कि दिल्ली के जो दो बड़े दिग्गज नेता हैं, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। गौतम गंभीर, रमेश विधूड़ी, हंसराज हंस भी इस बैठक में मौजूद रहे, या फिर इस मुलाकात में कह सकते हैं मौजूद रहे। NRC मामले में अब आपको बता दें कि कुछ अपडेट आता है तो ये भी हो सकता है कि दिल्ली में जिस तरीके से घुसपैठियों की तादाद बढ़ी है, यानी कि लाखों की तादाद में ये माना जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में भी घुसपैठ कर चुके हैं, इस पर कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो क्या अगला कदम होगा कि दिल्ली में भी NRC लागू हो सकता है? देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात इस वक्त की ये बड़ी खबर। NRC मामले को लेकर दिल्ली के सूबे के BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से खास मुलाकात की है। तो बाकी अपडेट्स के लिए भी आप बने रहिए R9 TV के साथ।